आज बात होगी लॉकर की। अभी तक आप अपने घरों के आभूषणों को यानी कि ज्वेलरी को सेफ रखने के लिए बैंक के लॉकर रूम का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब यही लॉकर रूम बैंक के जो हैं वो पेपर लीक होने से बचाएंगे। कैसे? आपको बता दें कि यूपी बोर्ड ने अब उत्तर प्रदेश के सभी जिले मुख्यालयों से ये डिटेल मांगी है कि कौन से स्कूल के पास, कौन सा जो सरकारी बैंक है वो पास में है, जहां का लॉकर का इस्तेमाल करके अब 2023 में जो परीक्षा होने वाली इंटरमीडिएट की, यूपी बोर्ड की और हाई स्कूल की, उसको लेकर, उनके पत्रों को लेकर सेफ्टी को परखा जाए, फिर एग्जाम से पहले प्रश्न पत्रों को उन्हीं लॉकर रूम में रखा जाए। क्योंकि हाल ही में पिछले साल हमने देखा कि बलिया में पेपर लीक के बाद तमाम जगह परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा था, पेपर लीक हो गए थे, और जब इंटरमीडिएट हाई स्कूल के पेपर लीक हुए तो उसके बाद ये सवाल खड़े होने लगे थे कि कैसे योगी सरकार में और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं, जबकि सरकार बार-बार ये कहती है कि हम नकल विहीन परीक्षाएं कराएंगे। और अब इसी की तरफ ये बड़ा कदम हम देख पा रहे हैं कि सरकार की तरफ से उठाया गया। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से भी जानकारी मांग ली गई है लॉकरों को लेकर, लॉकर रूम को लेकर, जहां पर अब इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के प्रश्न पत्रों को रखे जाने की तैयारियां तेज होंगी। पूरी जानकारी जुटाने के बाद यहां पर इनका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि जब बैंक के लॉकर रूम में आभूषण सुरक्षित नहीं रहते तो क्या पेपर सुरक्षित रहेंगे? क्या टाइट सिक्योरिटी जो पहले परीक्षा केंद्रों में प्रश्न पत्रों को सेफ रखने के लिए होती थी, सीसीटीवी कैमरे होते थे, पुलिसकर्मी तैनात होते थे, जब वो पेपर को सुरक्षित नहीं रख पाए तो क्या अभी बैंकों के लॉकर रूम एग्जाम जो पेपर हैं उनको सुरक्षित रख पाएंगे? इस पर चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। सबसे पहले के करके मैं सभी का तारुफ करवाऊं, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, पहले वो सुन लीजिए। तो मेहमानों के पास चलते के करके हम शबनम पांडे जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं बीजेपी से अपना पक्ष रखने के लिए। शबनम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस डिबेट में। वरिष्ठ पत्रकार नावेद शिको जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। नावेद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सपा नेता की तरफ से हमारे बीच में जुड़ चुके हैं नीरज यादव जी। नीरज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विद्या रावत जी बीएसपी से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे बीच में जुड़ चुकी है। विद्या जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शबनम जी सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। बैंक के लॉकर रूम अब इस्तेमाल किए जाएंगे प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रखने के लिए यूपी बोर्ड के, ये सेफ रहेंगे? क्योंकि आभूषण तो सेफ रहते नहीं है, प्रश्न पत्र सेफ होंगे क्या? देखिए शिवांगी जी, इस बात को कहना कि आभूषण सेफ नहीं रहते तो इससे मैं इनकार करती हूँ। हाँ, कभी छुटपुट घटनाएं घट जाती हैं, पर उस पर सरकार पूरी तरीके से कार्रवाई करती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, उनके पेपर कहीं ना कहीं बैंकों में रखे जाते हैं, और अगर कहीं पे पेपर लीक होता है तो उसके लिए सुदृढ़ व्यवस्था सरकार को बनाना आवश्यक है। और जो व्यवस्था सरकार ने सोचा है कि कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक जो कि सेंटर के एग्जामिनेशन सेंटर के पास में हो, स्कूलों के पास में हो, उसमें रखा जाएगा, वहां फुल प्रूफ सुरक्षा रखी जाएगी। लॉकर के पास में सीसीटीवी होता है, बैंक में सीसीटीवी होता है, बैंक के बाहर सीसीटीवी होता है, तो और सुरक्षा बलों के संरक्षण में उसे बाहर लाया जाएगा, स्कूल तक पहुंचाया जाएगा। पिछली बार जब लीक हुआ था, सरकार ने पूरी तरीके से जांच कराई थी तो पाया गया था कि स्कूल के स्टाफ ने ही उसके पेपर लीक किया था, तो कहीं स्कूल के स्टाफ को इससे दूर रखते हुए अलग व्यवस्था करके सरकार फुल प्रूफ सुरक्षित और नकल विहीन परीक्षा कराना चाहती है, और ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो मैं तो इसमें सरकार की पीठ थपथपाती हूँ कि सरकार ने नकल विहीन परीक्षा का जो अभियान चलाया, ये आप सभी जानते हैं, अब किसी भी सेंटर में नकल नहीं होता है, जबकि पहले बड़े तादाद में नकल हुआ करते थे और उस सरकारें कोई काम नहीं करती थी। लेकिन हमारी सरकार हर कई जहां भ्रष्टाचार देखती है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए फुल प्रूफ रणनीति बनाती है, और ये इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि देखिए रामराज के समय भी बंदी गृह हुआ करता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कहीं कोई गलती हुई तो हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं कि नहीं, ये गलती सुधारा नहीं जा सकता। ठीक है शबनम जी, यानी कि आपने फुल प्रूफ प्लान बना लिया है कि इस बार नकल विहीन परीक्षाएं होके रहेंगी। पहले बड़े बड़े यानी कि जो हम देखते थे कि टॉपर्स टॉप करते थे, बड़े बड़े रैंक के पोस्ट के लिए एग्जाम्स देते थे, उनमें तो पेपर लीक होते थे, लेकिन जब इस बार हाई स्कूल इंटरमीडिएट में भी ऐसे सवाल खड़े हो गए तो आपने फुल प्रूफ प्लान बना लिया। नावेद जी मैं आपके पास आ रही हूँ, ये प्लान जो है बीजेपी का कैसा दिख रहा है आपको कि लॉकर रूम का इस्तेमाल करके पेपर को सेफ रखा जाएगा, पेपर लीक कांड अब नहीं होने दिया जाएगा? ये पेपर लीक कांड को लेकर गंभीर है सरकार और एक नया प्रयोग किया है, इस बात में कोई शक नहीं है, और होना भी चाहिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार
कि बहुत सारी खूबियां हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, दंगा मुक्त करने को लेकर, लेकिन एक कुछ बदनामियां भी हैं और बदनामियों की फेरिस्त में पेपर लीक आता है। हाँ। और इस पिछले कार्यकाल में भी बहुत सारे बड़े बड़े परीक्षाओं के पेपर जब लीक हुए तो तमाम सवाल उठे। सवाल एक नहीं उठता है, सवाल कई उठते हैं जब पेपर लीक होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसिया व्यवस्था, दूसरा जो बच्चों का भविष्य है, एजुकेशन का जो जो एक क्षेत्र है उसमें कितनी कमजोरियां हैं, किस तरीके से हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो बदनामियां बहुत सी हुई, बहुत सारी परीक्षाओं की हुई। लेकिन ये अच्छी बात है कि सरकार गंभीर है और उसको लेकर वो नए नए प्रयोग कर रही है, ये एक प्रयोग है। लेकिन ये जो एक नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इसको आप दूसरे नजरिए से देखिए तो आपको लगेगा कि हम चोरों पे, डकैतों पे, सिंडिकेट पे, नकल माफियाओं पे पेपर लीक करने वाले एक नेक्सस के ऊपर काबू नहीं कर पा रहे, वो घूम रहे हैं, ये सरकार को पता है, वो घूम रहे हैं। तभी तो हम देखिए, अगर हमें लग रहा होगा हमारे घर में चोर आसपास हैं तो हम एक पहरेदार बैठाएंगे, दो पहरेदार बैठाएंगे, फिर चार ताले लगा देंगे, फिर पांच ताले लगा देंगे। जब हम कोशिश करेंगे कि चोरों का ही सफाया हो जाए, उनके अंदर दहशत हो जाए, उनका सिंडिकेट तोड़ दें, हम उनके हौसले पस्त कर दें, तो हम द्वार खोलते रहेंगे और रामराज की कल्पना की तरह सारे दरवाजे खुले रहेंगे और हमारे क्या चोरी भी नहीं होगी। इसका मतलब सरकार को एहसास है कुछ कमियां हैं, वो सिंडिकेट नहीं टूटा है। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए, हम लोग आम इंसान सभी लोग बैंक जाते रहते हैं, बैंक कर्मचारियों का एक बड़ा दर्द है। नोटबंदी हुई, कहते थे कि भाई हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वही है, कर्मचारी वही है, जो कर्मचारी नए आ रहे हैं तो भर्तियां नहीं हो रही, हो रही है तो बहुत कम पे स्केल पे आ रहे हैं। इतना दबाव, आपने बहुत अच्छी बात की, हम सब तारीफ करते हैं कि सब गरीबों को एक जो है जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुल गए, अच्छी बात है, आपने नोटबंदी की, चलिए ठीक है, लेकिन इतना वर्कलोड, बदतमीजी करने लगते हैं बैंक कर्मचारी, बताते हैं अपनी मजबूरी, रोने लगते हैं। अब बताइए, एक और उनके ऊपर लोड डाल दिया है कि अतिरिक्त पुरुष व्यवस्था होगी पुलिस की, उसकी नाकेबंदी होगी तमाम, तो क्या उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा? दो पक्ष हैं, एक ये कि सराहना और ये बात पता चलती है कि सरकार हमारी बहुत गंभीर है, लेकिन जो प्रयोग किया उसके एरर भी सामने हैं। ठीक है, बहुत बहुत सही बात नावेद जी, मैं आती हूँ, मैं विद्या जी, मैं चाहती हूँ एक बार इस पर कमेंट दे दें शबनम जी। शबनम जी, जो सवाल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो पहलू बताएं यहाँ पर नावेद जी ने। निश्चित तौर पर नावेद जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, पर उनकी इस बात का मैं खंडन करती हूँ, वो कहते हैं कि इसका मतलब चोर माफिया घूम रहे हैं। देखिए, इस बात से कोई भी सरकार, विश्व की कोई भी सरकार इनकार नहीं कर सकती कि उनके इधर जीरो अपराध है, क्योंकि जीरो अपराध के समाज की परिकल्पना करना ही कहीं ना कहीं गलत होता है। अपराध होते हैं, अपराध पे लगाम लगाए जाते हैं, अपराधियों को पकड़े जाते हैं, और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार नंबर वन पे आती है, क्योंकि वो जीरो टॉलरेंस की सरकार है। विश्व का कोई भी घर ऐसा नहीं हो सकता जो ताला खोलकर सोता हो रात में, ये मैं नहीं मानने को तैयार हूँ, क्योंकि विश्व में कहीं भी बड़ी से बड़ी सरकार हो, ताकतवर से ताकतवर सरकार हो, और वो दावा करती हो कि उसने पूरी तरीके से अपराध पे लगाम लगा लिया हो, पर एक भी घर ऐसा नहीं दिखेगा जिसमें ताले के बगैर लोग सोते हैं। ठीक है, मतलब कि शबनम जी आप ये कह रही कि आप उनको भी पकड़ेंगे जो इसमें शामिल है, जो नकल माफिया है, और साथ साथ में सिक्योरिटी आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। ठीक है, अब मैं विद्या जी आपके पास आ रही हूँ। ये बीजेपी का जो प्लान है, क्योंकि पेपर लीक को लेकर सवाल बार बार खड़े किए जाते रहे, इस बार जब हमने देखा कई जगह पेपर लीक हो गए बलिया के बाद से, तो खासतौर पर सवाल खड़े हुए कि अब तो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी सुरक्षित नहीं बची है, तो ऐसे में अब ये बड़ा कदम, आप इसको कैसे सराह रही है? बिल्कुल, ये जो सरकार का ये नया निर्णय आया है कि बैंक के लॉकर में परीक्षा पत्र रखे जाएंगे, निश्चित रूप से ये बहुत ही नासमझी भरा मुझे लगता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अभी जैसे नावे साहब ने कहा कि जो बैंक कर्मचारी हैं, इतना ज़्यादा उनके पास में वर्कलोड है कि एक कर्मचारी तीन तीन, मेरे संपर्क में काफ़ी लोग हैं, हम लोग सोशल हैं और काम करते हैं राजनीति में, तमाम लोग हैं लगातार कहते हैं कि कर्मचारियों का पूरा पूरी तरह से स्टाफ की पूरी कमी है बैंकों में, और उसके बावजूद भी आप बैंकों में देख रहे, मर्ज भी हो चुकी है, जो अलग अलग बैंक थी मर्ज कर दी गई है, कईयों को एक के साथ जोड़ दिया गया है, स्टाफ की इतनी ज़्यादा कमी है, उसके बाद में आप इस तरह से कि परीक्षा पत्रों को आप वहां पे लॉकर में रखेंगे, अरे सरकार को करना चाहिए कि आप परीक्षा पत्रों को लॉकर में ना रखने के बजाय आप सीधा सीधा जो माफिया है, जो नकल करवाते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति नकल नहीं करता, वो माफिया को गिरोह होता है, आप उस पे लगाम लगाइए, चाहे कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारियों के बच्चे कर रहे हो, चाहे ये एग्जाम्स ये इंटरमीडिएट के या हाई स्कूल के रहे हो एग्जाम्स, इनमें सब में नकलों का एक बहुत बड़ा गिरोह होता है, सरकार को पहला कदम उठाना चाहिए कि उस गिरोह को पकड़े, ना कि आप नकल माफियाओं को ना पकड़ने के बजाय बच्चे के मानसिक कितना उसको सोची के
परीक्षा हमारी जो हम लिख रहे हैं हमारी उस पर लॉकअप में रखी जाएगी, एक तरह से बहुत बड़ा सीबीएसई के भी प्रश्न पत्र रखे जाते हैं, तो हम भी रख रहे हैं, यूपी बोर्ड वाले भी रख रहे हैं, यूपी बोर्ड वाले रख रहे हैं, लेकिन यूपी बोर्ड और सीबीएसई में बहुत फर्क है और इस फर्क को समझना होगा, इस फर्क के तरीके से ही हमें आगे नई बदलाव करने होंगे। मुझे लगता है कि लॉकर वाला जो सरकार का नया नियम आया है उससे साथ मैं और अपने मेरा अपना नजरिया है कि हम लोग सहमत नहीं है। ठीक है, चल शबनम जी, अभी मैं इस पर जवाब लूंगी। अब मैं नीरज यादव जी के पास चलती हूँ। नीरज जी, आपने तो बहुत सवाल खड़े किए थे जब बलिया पेपर लीक हुआ था, लेकिन अब मुझे लगता है आपके सवालों को सुनकर ही यहाँ पर कुछ नया एक्सपेरिमेंट हो सकता है हो रहा हो, क्योंकि आप पे जो लॉकर रूम है वहां पर सेफ होंगे पेपर बच्चों के, इंटरमीडिएट हाई स्कूल के, यूपी बोर्ड के। पहले तो शिवांगी जी, छात्रों की चर्चा कराने पर बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज उत्तर प्रदेश में नहीं संपूर्ण देश में छात्र बहुत परेशान है इस सरकार से, और इस सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं, इनकी पिछली सरकार में 6 परीक्षाएं रद्द हुई, या तो आप नेट की परीक्षा ले लीजिए, पिछली सरकार में इंटरमीडिएट इंग्लिश का द्वितीय पारी का बलिया में पेपर लीक हुआ, जिससे कि 24 जिलों में बच्चों को परेशानी का सामना झेलना पड़ा। और शबनम जी जो कह रही है शिक्षा माफिया, इन्हीं के पार्टी के लोग निकले उसमें जब वो मामला खुला, तो आपका भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो पहले तो छात्र संघ, जब और दलों की सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, तो छात्र संघ चुनावों की मांग करता था। आज वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन कहाँ गया, जब इनकी उत्तर प्रदेश में सरकार है क्यों नहीं मांग करता छात्र संघ चुनाव की? जब छात्र संघ चुनाव ही उत्तर प्रदेश में नहीं होंगे तो अगली पीढ़ी नेताओं की कहाँ से निकलेगी, राजनीतिक लोग कहाँ से निकलेंगे? मेरा सवाल है शबनम जी से। दूसरा सवाल, उत्तर प्रदेश में जहाँ आप बैंकों के लॉकर में पेपर रख रहे हैं वहाँ छात्रों के जो जहन है, जो दिमाग है, उस पर क्या असर आएंगे? जब छात्र इंटरमीडिएट और हाई स्कूल पेपर देने जाता है तो उसे पता है कि पेपर से मिलेंगे या बैंक से लाकर मुझे दिए जाएंगे। आप शिक्षा माफियाओं को तो जेल में डाल नहीं रहे, आप खामखा की उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं, और आप छात्रों के साथ हनन कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। आप छात्रों के लिए देखकर सरकार तो चला नहीं रहे, आपको केवल एक जनता ने 2022 में बहुमत दे दिया, आप इस चीज का घमंड दिल में पाले बैठे हैं। आप कभी छात्रों की तरफ देखा आपने आज तक, तो उत्तर प्रदेश में छात्र किस कगार पर है? ठीक है नीरज जी, शबनम जी, नीरज जी कह रहे हैं कि छात्रों की मानसिक स्थिति को आप नहीं सोच रहे कि लॉकर रूम में अगर उनके एग्जाम्स पेपर उनके पेपर होंगे तो वो उनकी मानसिक स्थिति लगी रहेगी कि हमारा पेपर सिक्योर नहीं है, उसे सिक्योर बनाने की कोशिश की जा रही है। ये पहलू सामने रख रहे हैं आप, मैं भी सहमत नहीं इस बात से। ये जो फैसला आपका है वो उनकी समझ से परे नहीं, छात्रों की चर्चा में एबीपीवीपी का प्रवक्ता भेजना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हर जगह आ जाता है, क्यों छात्रों की बात नहीं करते, क्यों छात्रों का दोहन करते हैं, क्यों शोषण करते हैं? जब छात्रों के साथ दुष्कर्म होता है तब ये नहीं सामने आते, जब छात्राओं को रोड पर गैंग रेप होता है तब ये सामने नहीं आते, तब इनकी सरकार कहां चली जाती है? उत्तर प्रदेश में छात्रों के साथ इस सरकार ने केवल दोहन किया है, शोषण किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। ठीक है नीरज, सुन लीजिए शबनम जी की बात। शबनम जी, आप भी आपको भी समय दिया गया था, अगर चैनल आपको अगर अपने पास रखना है तो आप ही बोलती रहिए, मत बोल दीजिएगा, मौका दीजिए किसी भी दल को। मुझसे प्रश्न पूछा गया नीरज, शबनम जी आप केवल ये चाहती है चैनल आपको सुना है, आप अरे नहीं नीरज जी सुनिए, आप अपनी बारी में बोला, अब आपके सवालों को लेकर शबनम जी के पास गए, शबनम जी की बातों को सुन लीजिए आप, फिर आप उस पर काउंटर कीजिएगा, एक बार जवाब दे लीजिए, फिर आपको जो गलती लगती है उनकी बातों में गलत लगता है आप उस पर बोलिएगा। शबनम जी, नीरज जी, जब मेरा नाम लेके पूछा जाए तो मैं ही उत्तर दूंगी। अब अपराधियों को पकड़ने का काम अगर सरकार करती है तभी सरकार ये जांच कर पाती है कि वहां पे जब पेपर लीक हुआ था तो वहां के कर्मचारी उसमें शरीक थे, इस बात को मैंने पहले ही बताया। तो आप अनर्गल आरोप तो लगाना बंद कर दीजिए, और नकल करके अब तक विपक्षी पार्टियों की जब सरकार थी नकल करके जो बच्चे पास हुआ करते थे, आप समझ सकते हैं कि जब उनसे कुछ भी पूछा जाता था तो वो टॉप होने के बावजूद नहीं बता पाते थे कि अपने सब्जेक्ट के बारे में। शबनम जी, आप बिल्कुल गलत आरोप लगा रही हैं, आप इस देश के भविष्य पर आरोप लगा रही हैं। 2012 से लेकर 2017 तक जितने भी छात्र आईएएस पीसीएस परीक्षाएं पास किए हैं आप उनके भविष्य पर आरोप लगा रही हैं, आप उनके भविष्य पर आरोप लगा रही हैं। आपकी पोल खुल रही है इसलिए बीच में बोल रहे हैं।
जितने आप पूरे देश के छात्र को ललकार रही हैं। नीरज जी कहीं ऐसा ना हो सबनम जी ये बयान आपके लिए टेढ़ा पड़ जाए। आप पूरे देश के छात्र को ललकार रही हैं। चोरी करना छोड़ दीजिए, जनता ने आपकी इसी चीज चोरी का काम आपका है तरफ किया है। चोरी का काम आपका है। जवाब मिलने नीचे क्योंकि फिर मुझे अगले मेहमान के पास भेजा रहा है। नीरज जी चोरी का काम सबनम जी सबनम जी की बात को सुन लीजिए क्योंकि आपका सवाल का वो जवाब दे नहीं पा रही है। रुक जाइए नीरज जी प्लीज रुक जाइए। ठीक है सबनम जी आप अपनी बात है। नीरज जी मैं आती हूँ आगे आती हूँ एक मिनट जवाब सुन लेते फिर आती हूँ मैं। सरकार के इस कदम से बौखलाहट दिखाएंगे जो संरक्षण देते रहे होंगे। आज उनकी दुकान बंद होने के कागार पे आ गई है इसलिए बौखलाहट दिखेगी। दिखने दीजिए हमें उसकी चिंता नहीं। और दूसरी बात पेपर कहाँ रखा जाता है और कहाँ नहीं रखा जाता है इससे पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जो सचमुच मेहनत करके पढ़ते हैं उन्हें उनके मानसिक स्थिति पे कोई असर नहीं होता। क्योंकि हम आप सब पढ़कर आए हैं हमें ये भी नहीं पता होता था कि हमारे पेपर कहाँ रखे गए। हमें पेपर सुरक्षित एग्जाम के समय मिलते थे और हम एग्जाम देते थे वैसे ही आज के विद्यार्थियों का। तो ये जो मानसिक हालत ये हो जाएगी और जो बौखलाहट दिख रही है वो दिख रही है कि माफियाओं के साथ इनका गठजोड़ कैसा था जो टूटने पे इन्हें कितनी पीड़ा हो रही है। तो सरकार के शर्णम जी एक सवाल और है क्योंकि अभी नावेद जी ने सवाल खड़ा किया विद्यार्थी लिए भी खड़ा किया कि बैंक कर्मियों की कमी भी है। अगर आप वहां पर पेपर सुरक्षित रख रही हैं लॉकर में बच्चों के ठीक है एक सेकंड नीरज जी एक सेकंड तो फिर वहां पर आपको स्टाफ भी बढ़ाना होगा क्योंकि प्रेशर पड़ेगा इसके लिए कुछ सोचा है शबनम जी? आज शिवांगी मैडम आज बैंक कर्मचारियों पर कितना दबाव है? ठीक है नीरज जी एक सेकंड मैंने यही सवाल किया है वो जवाब देने फिर आ रही हूं। शबनम जी ने उन पे एक दबाव और डाल दिया। ठीक है रुके नीरज जी रुके जवाब सुन लीजिए फिर अभी आप बोलिएगा इस पर। मैंने सवाल किया नीरज जी प्लीज वेट अपनी बारी में बोलिएगा मैं भी आती हूँ आपके पास मौका दूंगी। संरक्षण देते हैं क्या सुरक्षा एजेंसी का उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा एजेंसियां इतनी सक्षम नहीं है? अरे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को गलत नहीं कह रहा है। मैं नावेद जी के पास चलती हूँ। नावेद जी एक्सपेरिमेंट को आपने भी कहा कि होना चाहिए अच्छी बात है लॉकर में अगर रखे जा रहे हैं तो इससे बुरा नहीं है लेकिन आपने जो एक पहलू वो दिखाया जो नेगेटिव था कि कर्मचारियों को भी बढ़ाना होगा स्टाफ को भी बढ़ाना होगा उस हिसाब से हमें तो इसके लिए इंतजाम किस तरीके से होने चाहिए ताकि प्रेशर बैंकों पर भी ना पड़े और ये सेफ्टी जो है वो ऐसे ही चलती रहे। देखिए नियत बहुत साफ है और नियत बहुत अच्छी है और सराहना है करने चाहिए लेकिन ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अगर देखिए तो कई एरर सामने आते हैं। एक बात को मान के चलिए कि यदि सरकार को इस बात का एहसास होता या वो ये कोशिश करती कि ये नकल माफिया या पेपर आउट कराने वाली इस वक्त हो रहा है पेपर आउट कराने वाला जो माफिया है अगर वो लॉकअप में होते तो लॉकर में पेपर रखने की जरूरत नहीं पड़ती कहीं ना कहीं उनको खुली छूट मिली है सरकार को एहसास है। आप उनको उनके ऊपर आपने सफाया नहीं किया है अगर आप उनको मैं बार बार कह रहा हूं कि जब अगर हम उस पर सफाया कर देते उनका जब इस तरह की लगातार हरकत होती एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हुई एक सीरियल तरीके से हुई एक के बाद एक के बाद बहुत सारी परीक्षाओं के पेपर आउट हुए बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ सवाल उठे और सरकार ने भी सराहनीय कदम उठाए बहुत कोशिशें की गिरफ्तारियां की और कई चीजें भी सामने आए उसमें कई लोगों पर सवाल भी उठे आगे कुछ कोचिंग माफिया लोग हैं कोचिंग चलाने वाले लोग हैं कुछ पॉलिटिकल लोग हैं कुछ लोग सरकार को बदनाम करना चाहते तमाम सवाल उठे लेकिन मुझे लगता है कि उसको लेकर अगर बहुत गंभीरता से उनकी गिरफ्तारी हो जाती या उनको नेस्त नाबूद कर दिया जाता ये कोई मामूली लोग थोड़ी होते हैं कि चार चोर डकैत और मतलब इस पर कदम उठाएंगे उसका एक लाइन ऑफ एक्शन तैयार इसका एक मास्टर प्लान होता है वर्षों तक इस पर काम होता है और इसमें करोड़ों रुपए की मतलब कमाई होती है लोगों की अवैध कमाई होती है। तो अब हमारा कहने का मतलब है कि ये लॉकअप की जरूरत इसलिए पड़ी कि लॉकर खाली लॉकर की जरूरत इससे पड़ी कि लॉकअप की जरूरत कहीं ना कहीं उनको छूट दी गई है अगर उनको छूट नहीं दी जाती। देखिए एक चीज सरकार की बड़ी सराहनीय है योगी सरकार की हमारे जैसे तमाम करोड़ों लोग तारीफ करते हैं कि जहां पर क्राइम होता है और जो क्रिमिनल्स होते हैं चाहे वो दंगाई हो चाहे वो अपराधी हो उनके ऊपर जो कदम उठाए जाते हैं सख्त कदम उसका प्रदर्शन किया जाता है। प्रदर्शन जो होता है बुलडोजर एक मॉडल है प्रदर्शन का
कि अगर तुमने अवैध कब्जा किया तो मैं ऐसे घर गिराएंगे। अब ये देखने वाले करोड़ों लोग, इस तरह की हरकत जो करने वाले लोग होते हैं वो खामोश हो जाते हैं, वो डर जाते हैं, वो सहम जाते हैं, अगर हम ये अपराध करेंगे तो हमारे साथ भी ये हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि योगी सरकार ने बहुत सारे अपराध का ग्राफ कम हुआ, ये बात सही है, लेकिन नकल, ये जो नकल माफिया और जो पेपर आउट कराने का सिंडिकेट है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन उसका उस तरीके से अगर प्रदर्शन हो जाता तो आज सरकार को यह डर नहीं होता कि हम बैंक में उसको छुपा के पेपर रखें। ठीक है, वो डर नहीं निकाल पाई सरकार। ठीक है शबनम जी, जो जिक्र करें नाविद जी कि आप जब अवैध कब्जा कोई करता है या कोई दंगाई होता है तो उसके घरों को जमींदोज कर दिया जाता है, उन पर एक्शन होता है, बुलडोजर को बताया उन्होंने उदाहरण देते हुए, नकल माफियाओं के लिए भी ऐसा कुछ होना चाहिए, इसके लिए एक बड़े पैमाने पर तैयारी फुल प्रूफ होनी चाहिए, इसको लेकर भी आप कैसे आगे और कदम उठाएंगे, क्योंकि आप पेपर तो सेव कर रहे हैं लॉकर में रख के, लेकिन नकल माफिया बात तो सच है वो अभी भी घूम रहे हैं, उन्हें अगर मौका मिला तो कुछ भी करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं नकल को लेकर, तो उसके लिए फुल प्रूफ प्लान क्या है, उनके लिए कड़ा एक्शन कैसा होगा? देखिए शिवांगी जी, जो भी नकल माफिया सरकार के जांच के घेरे में आए और उनको पकड़ा गया, उन्हें उनकी गिरफ्तारी भी की गई जी, भी इस बात को मानते हैं, और आप देखिए नकल को रोकने के लिए उन्हीं स्कूलों को सेंटर बनाया जाता है जहां सीसीटीवी है, ये हमारी सरकार ने आते ही इन सब चीजों का प्रबंध किया। आप देखिए हर किसी के तरीके की अपराध की कार्रवाई अपने तरीके से सरकार कर रही है और बहुत मजबूती से। आज देखिए ईडी जब छापा मारती है, विपक्ष कहते हैं कि विपक्षियों का, लेकिन 1,07,000 करोड़ की संपत्तियां जब्त हुई है, जो कि आप सभी चैनल दिखा भी रहे हैं। ये मुद्दा ईडी का नहीं है, ये छात्रों के नसीब का मुद्दा है। अरे रुके नीरज जी, रुक जाइए, अभी मैं विद्या जी के पास हूँ, फिर आपके पास आती हूँ। कोर्ट का दरवाजा खटखटाए कि गलत संपत्ति जब्त की। ठीक है शबनम जी, आप अवैध कब्जेदारों पर तो एक्शन लेती हैं, लेकिन वही बात है कि देखिए बुलडोजर की एक तरफ सराहना भी हो जाती है, एक तरफ उसकी निंदा भी हो जाती है, लेकिन अभी सराहना के उद्देश्य से सवाल है कि नकल माफियाओं पर बुलडोजर भी चलना चाहिए, आपको नहीं लगता ऐसा? तो शबनम जी, नकल माफियाओं पर ही बुलडोजर चलना चाहिए ऐसा नहीं लगता आपको जी? नकल माफियाओं पर ही बुलडोजर चलना चाहिए ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए अवैध कब्जा जमीन का जो करते हैं उनको बुलडोजर से तोड़ा जाता है, जो ईडी के माध्यम से संपत्ति का पता चला कि जांच करने पे पता चला कि संपत्ति जब्त की है, उनकी संपत्ति निकाल के दिखाई जाती है, नकल माफियाओं को उसमें संलिप्तता देख के उनको भी जेल के सलाखों के, तो जिस तरीके का क्राइम है उस तरीके से उन्हें पकड़ा जाता है, कार्रवाई की जाती है, जो आगजनी करते हैं उनका देखिए पोस्टर लगा दिया जाता है ताकि आगे से आस पड़ोस और समाज समझे कि ये आगजनी। ठीक है, आपने डिफाइन किया कि कैसे आप अलग अलग ग्राफ को अलग अलग अपराध को देखते हुए सजा देते हैं। मैं विद्या जी आपके पास में, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन वो ये कह रहे कि हम तो हर सुरक्षा का सिक्योरिटी का ध्यान रख रहे हैं ना, और कोई किसी पर बच्चे की मानसिक स्थिति पर फर्क नहीं पड़ेगा इससे, उसे क्या पता कि कहां पेपर रखा है, हर एक बच्चा तो वाकई में नहीं जान पाता है ये जो 10वीं क्लास में है। शिवांगी जी मैं इस पे एक ही बात कहना चाहूंगी, ये तो बिल्कुल ठीक वैसे ही हो गया कि जैसे अपराधी को ना पकड़ना और आप उसको दूसरे को जो पीड़ित है आप उसी को, आप बताइए जब वहां पे लॉकर में रख दिया गया जो पेपर्स हमारे बच्चों के रख दिए गए लॉकर्स में, लेकिन जो नकल वाला गिरोह है वो तो लगातार अपना काम करेगा ना, आप तो बच्चों की एक तरह से मानसिक ताड़ना हो जाएगी ना कि बच्चों ने पेपर दिए आपने जाके उसे लॉकर में रख दिया, लेकिन गिरोह को जो काम करना वो तो करेगा, आप उसको रोकने के लिए क्या उपाय करेंगे? दूसरा आपकी शिक्षा नीति, मैं सबनम जी से भी पूछना चाहती हूँ कि जो आपकी शिक्षा नीति है उसमें गुणवत्ता की जरूरत है कि नकल की जरूरत ही ना बच्चे को पड़े, सबसे जरूरी बात है किसकी गुणवत्ता की जरूरत है कि नकल की जरूरत है। शबनम जी बताइए जवाब दीजिए, अपराधी को नकल माफियाओं पर कैसे एक्शन, लॉकर तो आपके तैयार है लेकिन नकल माफियाओं को पकड़ने के लिए तैयार है, कोई भी वो नहीं हो रहा, अभी बीटीसी के एग्जाम्स और पीछे बीएड के काफी एग्जाम्स में नकल माफियाओं ने, कितने पेपर आप लॉकर में रखेंगे शबनम जी, कितने पेपर लॉकर में होंगे? नकल माफियाओं पर विद्या जी का सवाल है, वो कब होंगे सलाखों के पीछे? देखिए विद्या जी जो सवाल कर रही हैं, सरकार में जब ये थे तो इस तरीके की चीजों को ये लोग प्रश्न नहीं देते, तो वैसे टॉपर हमारे सामने मीडिया के माध्यम से आते नहीं जैसे हम देखा करते जी, थे। विद्या जी सरकार में थी, हम लोग सरकार में थे। दंगे की चोट पे कहती हूँ कि जो भी पास आउट होता है वो अपनी मेहनत के बल पे होता है, लीक पेपर के बल पे नहीं, क्योंकि सरकार की कड़ी नजर है। पहले की सरकारें पेपर लीक कराती थी, संरक्षण देती थी, अपराधी बढ़ते, अपराधी एक दिन में जन्म नहीं लेते हैं, अपराधी को आदत होती है कि सरकार नहीं पकड़ पाई, अब जब सरकार पकड़ पा रही है तो अपराधी भी भाग रहे हैं
और हम एक सुरक्षित व्यवस्था, फुल प्रूफ व्यवस्था दे रहे हैं। सरपंच जी, ये अपराधियों के लिए नहीं है, ये पूरी तरह से बच्चों के लिए मानसिक पीड़ा दी जा रही है। चीटिंग कराया जाता था। शबनम जी देखिए, ये जो आपने जवाब दिया वो आपने बताया कि कैसे नकल होती थी, आप नकल को रोक रहे हैं, लेकिन जो माफिया खुलेआम घूम रहे हैं, विद्या जी का सवाल उस पर, नीरज जी मैं आती हूँ उसके बाद आपके पास ही आती हूँ, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए आप। शिवांगी जी 10 बार बताया कि जो भी स्कूलों के हालात ये हैं, शबनम मैम से मैं कहना चाहती हूँ कि स्कूलों के हालात ये हैं कि आप चले जाइए हाई स्कूल इंटर यूपी बोर्ड के पास में चले जाइए, किसी भी उसका एग्जाम ले लीजिए, इवन बच्चों को अपने नाम तक सही से लिखने नहीं आ रहे, तो एजुकेशन शिक्षा जो पॉलिसी है आप उसमें गुणवत्ता पैदा करिए, क्योंकि बच्चा स्कूल जा रहा है सिर्फ उसको ये कि हम पढ़ने जा रहे, टीचर इसको ये लग रहा है कि सिर्फ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन उसे अपने वेतन से मतलब है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, आप माहौल ऐसा दीजिए कि कम से कम बच्चे और शिक्षकों के बीच में एक सामंजस्य बैठे। 5 साल पहले पढ़ के नहीं बने, ठीक है। देखिए विद्या जी, आपका सवाल अच्छा है, लेकिन हमारे मुद्दे से थोड़ा अलग है। अभी हम लोग, आपने जो सवाल किया शिक्षा की गुणवत्ता पे किया, लेकिन अभी यहाँ पर है जो बच्चे मेहनत करके पढ़ के पेपर देते हैं, उनके जब पेपर आउट होते हैं तो उन्हें दोबारा मेहनत करनी पड़ती है, वो परेशान होते हैं अपने रिजल्ट को लेकर। नीरज जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, यहाँ पर देखिए, जब आपका शासन काल था, जब आपकी सरकार थी, तब भी तो पेपर लीक होते थे, तब क्या कम होते थे क्या, तब नकल नहीं होती थी क्या? नकल माफियाओं की अगर हम बात करें तो नकल माफिया तब भी थे, नकल माफिया अब भी है, तो आपने अपने में नहीं झांका, बीजेपी में झांका, बीजेपी कोशिश करे तो वो गलत है, तो हर एक चीज देखिए फिर आप सवाल तो तभी खड़े होंगे ना बराबर, जब आपकी सरकार में सब कुछ अच्छा रहा हो। शिवांगी जी, हाँ शिवांगी जी, शबनम जी बार बार कहती है कि उत्तर प्रदेश में, बोलिए नीरज जी आपकी आवाज आ रही है। शिवांगी जी, शबनम जी बार बार कहती है कि उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार तो पिछले 5 सालों से आपकी सरकार थी, पहले तो ये आप संज्ञान में ले लें, पिछली पांच साल में हमारी सरकार में अखिलेश यादव ने सारी परीक्षाएं साफ कराई, नकल नहीं हुई, एक भी नकल नहीं हुई। शबनम जी जो बार बार कहती है क्यों नहीं छात्र राजनीति की तरफ ध्यान जाता, क्यों नहीं उस शिक्षा माफिया की तरफ ध्यान जाता जो आज सरकारी कॉलेज में पढ़ा भी रहा है और घर पर छात्रों को बुलाकर ट्यूशन भी दे रहा है, क्या जब वो ट्यूशन दे रहा है तो पेपर लीक नहीं करेगा? शबनम जी इन चीजों पर कतई निगाह नहीं देंगी, क्योंकि उनकी सरकार का मामला पिछली पांच साल तो आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब आपने नेट का पिछली सरकारों से मतलब है आपकी सरकार, पिछली सरकारों से मतलब, देखिए ये इतना मत तोड़िए नीरज जी, शिवांगी जी पिछली सरकार में आपका जिक्र, पिछली सरकारों का जिक्र बोल रही थी और सरकारों का जिक्र है, निवेदन है कि शबनम जी ना बोले, आपकी आपकी उत्तर प्रदेश है लगातार 5 साल सरकार थी और फिर जनता ने आपको मौका दिया, फिर क्या आपको अपने प्रशासन पर भरोसा नहीं है, क्या आपको अपने तंत्र पर भरोसा नहीं है, या आप 5 साल में अपने प्रशासन को तंत्र को मजबूत नहीं कर पाए, या केवल आप बिल्डोजर और इन्हीं के चक्कर में फंसे थे? आपको 5 साल में शिक्षा माफिया को जेल भेजना चाहिए, परंतु भेजे वो इन्हीं के दल के लोग हैं, चोर चोर मौसेरे भाई इन्हीं के दल के लोग हैं, ठीक है। शबनम जी के सवाल ही खड़ा हो रहा है कि आप अपने पिछले के कार्यकाल में, अपने पिछली सरकार में ही नकल माफियाओं पर अगर लगाम लगा लेती तो शायद आज लॉकर का आपको रास्ता नहीं ढूंढना पड़ता। ये बात तो सच है कि नकल माफिया तो घूमे हैं, हालांकि उनकी सरकार में भी बहुत नकल हुई, लेकिन उनको शायद याद नहीं है अभी नीरज जी को, लेकिन आपने तो 5 साल में नकल माफियाओं पर नकेल कसने की बात कही थी, तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए अब और आपको फुल प्रूफ प्लान तो बनाना होगा ना, ताकि आगे लॉकर की जरूरत ना हो हमें। शिवांगी जी सबसे पहले तो विपक्ष को लॉकर से आपत्ति क्यों है ये साफ तौर पे दर्शक भी समझ रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन अपराधियों को ये संरक्षण देते थे उन अपराधियों का प्रेशर इन पे पड़ रहा होगा, इसलिए ये ऐसी बात कर रहे हैं। अब दूसरी बात ये कहते हैं आपको अपनी सरकार पे, मुझे अपनी सरकार पे और जनता को सरकार पे बहुत भरोसा है, ये सरकार ने 37 साल, जनता ने 37 साल बाद दोबारा इस सरकार को लाकर बताया है। सरकार ने आते ही हर उन स्कूल को ही केवल सेंटर बनाया एग्जामिनेशन का जहां सीसीटीवी लगी हो, और नहीं लगे हुए जगहों पे सीसीटीवी लगाया गया ताकि नकल विहीन परीक्षा हो। अब अगर पेपर लीक होने वाली बात भी आई तो पिछली सरकारें पेपर लीक होने पे उसको छिपा दिया करते थे, और जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते थे, और जो नकल पे भरोसा करते थे वो आगे होते थे। पर हमारी सरकार ने लगातार
देखिए ये अपराधी एक दिन में नहीं पकड़े जाते, ये जो लिस्ट जब अपराधी पे बुलडोजर चलता है, और तो विपक्ष अक्सर आप देखते होंगे लिस्ट निकालते हैं, आपने इसको नहीं पकड़ा इसको नहीं, अरे जब आप 25 सालों में इतने अपराधी को संरक्षण देके उत्तर प्रदेश में रोके तो सबकी बारी आएगी और एक एक करके आएगी इसमें लिस्ट नहीं। वैसे ही नकल माफियाओं में को भी इस तरीके से जाल उत्तर प्रदेश में बैठा है जिस पर सरकार लगातार कार्रवाई ठीक है। नावेद जी अब मैं आपके पास आ रही हूँ, शबनम जी की हमारी कोशिशें जारी है, जो कोशिशें हम कर रहे हैं वो पिछली सरकार जो उनकी सरकार से पहले गवर्नमेंट थी, मैं क्लियर कर देती हूँ क्योंकि नीरज जी को लगेगा फिर मैं बीजेपी को ही कहती हूँ, सपा बसपा की वो नहीं कर पाती थी उस तरीके से लगाऊं। और देखिए ये भी नावे जी हम देखिए, आपने भी एग्जाम दिए, मैंने भी जब एग्जाम दिए थे तो हम लोग कहते थे जब सपा का शासनकाल था तब एग्जाम जो बच्चे देते थे कहते अच्छा तुमने किसमें किसकी सरकार में किया, तो लोग कहते थे कि भाई अखिलेश की सरकार थी, लोग कहते थे अच्छा तो फिर अच्छे नंबर आए होंगे। मायावती का शासनकाल था तो लोग कहते थे अरे भाई हमने तो मायावती के शासनकाल में एग्जाम दिया है, तो कहते अच्छा तब तो स्ट्रिक्टनेस हो गया कि तब आपने ज्यादा मेहनत करी होगी, आप बीजेपी की सरकार है तो अभी भी लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है टफ टफ कंपटीशन है। तो ये एक मैंने एग्जांपल सेट किया है, तो इस एग्जांपल से क्या समझ में आ रहा है, नकल पर लेकर नकल माफियाओं को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं सपा की तरफ से भी और विद्या जी की तरफ से भी शबनम जी की तरफ से भी, ये कैसा है सिनेरियो, तो आपको लग तो रहा होगा थोड़ा तो फर्क आया होगा। देखिए हम लोग सवाल उठाएंगे और सवाल उठाना भी चाहिए सरकार की जो एजुकेशन की नीति है और जो कमियां हैं जो एरर है उस पर हम सबको सवाल उठाना चाहिए और सरकार उस पर सुधार करेगी अगर हम सवाल उठाएंगे। लेकिन अगर बात निकली है तो उस बात को भी दोहराना चाहिए कि पिछली सरकारें चाहे वो सपा की सरकार की खासतौर से बात हो, मुलायम सिंह जी की सरकार हो या अखिलेश यादव, खासतौर से मुलायम सिंह जी की सरकारें जब हुई तो तमाम सवाल बड़े गंभीर उठते रहे और एजुकेशन की स्थिति अच्छी नहीं थी, इस सच्चाई को हम लोग नकार नहीं सकते, उस इतिहास को भूल नहीं सकते, तमाम सवाल उठते थे, बाकायदा ठेके पे नकल माफिया जो है वो सेंटर खरीद लेते थे, ये बाकायदा पूरे सबूतों के साथ में खबरें छपती थी। हम आज सरकार के ऊपर सवाल ज्यादा उठाएंगे, विपक्ष के ऊपर उतना उठाना हमारा फर्ज नहीं है क्योंकि, लेकिन फिर भी हम जब इतिहास की बात होगी तो बिल्कुल आंखें नहीं बंद कर देंगे। और इतना बड़ा इतनी बदनाम थी खासतौर से मुलायम सरकार कि वहां के बच्चों के एजुकेशन का स्तर बहुत डाउन हो गया था इसमें कोई, और आपको याद दिला दूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जब कल्याण सिंह और राजनाथ के जमाने की मैं बात कर रहा हूं उस जमाने में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए नकल अध्यादेश लाया गया था, उसको लेकर सपाई सड़कों पे आ गए थे कि नकल को लेकर सख्त क्यों है सरकार, नहीं होना चाहिए, उसमें उनका तर्क अपनी जगह था, वो बहस का विषय समय नहीं है कि बच्चों को अगर जेल ले जाएंगे तो उनका भविष्य, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन वो अपना लेकिन नकल को लेकर सख्त थी सरकार। और अभी अभी मौजूदा समय पर हम आते हैं, मुझे शबनम जी की एक बात पर आपत्ति है और उनकी बातों से अप्रत्यक्ष रूप से लगा उनकी दोहरी नीति लगी सजा को लेकर, और मुझे लगता है ये बहुत खतरनाक बात है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो शबनम जी की नीयत है वो सरकार की ना हो, क्योंकि अगर सरकार की इस तरह की नीति होगी तो प्रदेश का बड़ा नुकसान होगा। देखिए होता क्या कि कोई दवा अगर फायदा करती है तो वो दवा ब्रांड बन जाती है और उसका उपयोग हर जगह उसका इस्तेमाल होने लगता है कि भाई ये दवा फायदे की, योगी सरकार की एक दवा बहुत अच्छा फायदा की, किसी ने पत्थर फेंका उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की, 40 लड़कों ने पत्थरबाजी की, जो 4000 लड़के जो पत्थरबाजी की नियत रखते थे जब देखा उनका घर खोदे दे रहे हैं, बुलडोजर चले जा रहा है, उनको जेल में डाले दे रहे हैं, उनके सड़क पे पोस्टर लगा रहे हैं, ये दवा थी, ये दवा अच्छी थी, इस दवा ने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त कर दिया, इस दवा ने इस प्रदेश को दंगाइयों से मुक्त कर दिया, अच्छी बात थी, तमाम बातें हुई, पोस्टर चिपका दिए गए, एक सजा के नए मानक तैयार किए योगी सरकार ने और हम सब ने उसकी तारीफ की और आज भी उस बात की तारीफ करते हैं, क्योंकि जब पत्थरबाजों के हौसले पस्त हो गए, जब उनके घर तोड़ दिए गए, जमींदोज कर दिए गए, कई क्रिमिनल्स कई इस तरह के लोग जो दंगा करते थे उनके घर जमींदोज कर दिए गए, ये गंभीर अपराध था। अगर कोई बच्चा भी 16 साल का या 22 साल का या 35 साल का व्यक्ति भी अगर सिपाही पर पत्थर मारता है तो इसको मैं गंभीर आरोप मानता हूं, और अगर कोई इस उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों का भविष्य चौपट कर रहा है वो भी बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। इन दोनों आरोपों में कोई फर्क नहीं है, तो वहां बुलडोजर वहां पोस्टर यहां जेल और फिर जमानत। ठीक है नावे जी, एक सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है आपसे, देखिए जब भी बीमारी होती तो अलग अलग मर्ज की अलग अलग दवा होती है, तो क्या आपको लगता है जैसे अपराध है तो अलग अलग अपराध के अलग अलग सजाएं हैं, तो क्या हर एक पर बुलडोजर चला देना यही हर मर्ज की दवा बन जाना तो ठीक रहेगा क्या?
मैं ये एक सवाल पूछ रही हूँ। प्रैक्टिकल बात तो यही है कि जो चीज हिट हो जाती है, हाँ। अगर आप भारत हाँ। समाचार में एज अ एंकर हिट हो गई तो हिट हर जगह है, जहां भी जाओगी आप हिट है, क्योंकि प्रेजेंटेशन आपकी वही होगी। अगर ये क्राइम को रोकने के लिए एक सख्त नीति फिट हो गई है और गंभीर दोनों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी ने भूखा था और किसी ने रोटी चुरा के खा ली तो उसके ऊपर बुलडोजर चला दो, अगर वो पत्थरबाजी गंभीर आरोप है और मैं उसका स्वागत करता हूं, मैं 100 बार कहूंगा मैं इसका स्वागत करता हूं, बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के इतने सारे विद्यार्थी, युवा शक्ति हमारे देश और उत्तर प्रदेश का, उनका आपने भविष्य चौपट करने वाला एक इतना बड़ा नेक्सस है जो कई 100 करोड़ का बिजनेस करता है और वो पेपर आउट कर देता, हजारों लाखों बच्चों का भविष्य चौपट हो जाता है, आप उसको क्या पत्थरबाजों से कम समझेंगे? आप उनको केवल जेल और जमानत दे के कर देंगे और फिर वही नतीजा होगा कि आप छुपाते फिरो पेपर, छुपाते फिरो, छुपाते फिरो। शबनम जी आप सवाल नावेद जी का समझ गई होंगी, मैं चाहती हूं उसका जवाब आप दे 20 सेकंड में और उसके बाद मैं नीरज जी के पास चलती हूं। शबनम जी, नावेद जी की इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि जो नकल माफिया है वो निश्चित तौर पे हमारे देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और सरकार को सख्त नजरिया अपनाना चाहिए। पर इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि पत्थरबाजों के घर में बुलडोजर चला था, पत्थरबाजों के को गिरफ्तार किया गया था और उनकी अगर अवैध संपत्ति की नोटिस पहले दी गई थी कि आपने अतिक्रमण किया है तो उन पे बुलडोजर चलाया, सरकार ने जमीन पर अतिक्रमण करने वालों पे बुलडोजर चलाया है और वो अतिक्रमणकारी एक भी कोर्ट नहीं गए। नकल माफियाओं की संपत्ति चेक करिए, वो अवैध ही निकलेगी, गारंटी के साथ कहता हूँ, चेक तो करिए। नकल कराने में अपना नेक्सस बनाया, उनको सलाखों के पीछे किया, जिन अधिकारियों ने नकारापन किया उन्हें नौकरी से बाहर। देखिए हम कानून के कानून का राज है देश में और उत्तर प्रदेश में, तो कानून के तहत रहकर ही कार्रवाई करते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि भविष्य बिगाड़ने वालों को कहीं भी हमारी सरकार ठीक है। और ये सवाल और नावेद जी का कि जो नकल माफिया, जो बड़े बड़े सिंडिकेट है, उनकी संपत्तियां भी अगर आप जांचेंगी शबनम जी तो अवैध निकलेंगी, कह रहे नावेद जी। मैं इस पर चाहूंगी जवाब, लेकिन उससे पहले मैं नीरज जी के पास मूव करती हूं। आ रही हूं शबनम जी, आ रही हूं। नीरज जी, आपका आप बहुत देर से सवाल कुछ पूछना चाह रहे हैं, लेकिन सवाल के साथ याद रखिए सारे पहलू नकल के, हर एक शासनकाल के। बोलिए अब। धन्यवाद शिवांगी जी। शबनम जी बार बार कह रही है नकल माफिया, इन पर ये कभी भी नकेल नहीं कर सकती, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में जो नकल माफिया है उनसे इन्हीं के संबंध हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, सत्ता नकल माफियाओं के साथ है। सत्ता अगर नकल माफियाओं के साथ नहीं होती तो क्या उनकी इतनी हिम्मत होती? क्यों जांच नहीं कराते नकल माफियाओं को? क्यों नहीं पकड़वाते उन्हें? शिवांगी जी, शबनम जी जितनी बात कह रही है वो उतनी ही कह रही है जितना उन्हें रटाया हुआ ज्ञान है, जितना उन्हें बता के भेजा गया है। अच्छा। नकल माफिया इन्हीं के दल के लोग हैं और आज ये कह रही है चोरी 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 बार बार। नकल माफिया क्यों नहीं आप उन पर बुलडोजर चलवाती? जब बुलडोजर चलता है तो लगातार चलना चाहिए, कानून तो एक ही है ना। और जब भी उत्तर प्रदेश में नकल के द्वारा कोई एग्जाम ध्वस्त होता है या परीक्षा खराब होती है तो आपको पता है कितने छात्रों के नसीब पर ताला पड़ता है? ठीक क्या है? इससे बड़ा जुर्म है कोई? शबनम जी काउंटर करना चाह रही है आपकी बातों का, लेकिन कोई खुद ही जानबूझकर कोई नहीं कूदता है। सच्चाई नहीं बोलना चाहेंगी शबनम जी, इन चीजों के पीछे डरती है। मैं जवाब ले लेती हूँ आपके सवालों का। शबनम जी, आपके आपके लोग बैठकर नकल कर रहे हैं, आप उनको पकड़ नहीं रही है। देखिए सबसे पहले तो नीरज जी कह रहे हैं रटाया हुआ ज्ञान, तो नीरज जी को बता दूं कि मैंने ये द्वितीय पाली का परीक्षा क्यों नहीं बताती है अंग्रेजी का जो बलिया में लीक हुआ, क्यों नहीं कहती है ये उस बात मामले में? इधर आई हूँ, मुझे रटाने और रटवाने की और मेरी पार्टी में किसी को रटाने और रटवाने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना धरातल का ज्ञान हमें रहता है क्योंकि हम इसी कमरे में बैठ के राजनीति नहीं करते। अब दूसरी बात, ये जो कार्रवाई हो रही है इस पे बौखलाहट दिखाने के बजाय इसका तो समर्थन करना चाहिए, क्योंकि इन्हें लगना चाहिए कि बच्चों का भविष्य सुधर रहा है, चाक चौबंद प्रबंध कर रहे हैं। चाक चौबंद हो रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश की तरफ से भरोसा ही नहीं करना चाहती, और आप कह रही हैं नकल माफिया है, उन्हें जेल भेजिए ना, उनके खिलाफ जांच कराइए, उनकी संपत्ति जब्त करिए। इनकी बौखलाहट दिखाती है कि इनकी संलिप्तता कहां है, इन चला तो ये माफियाओं के समर्थन में खड़े होते हैं। जब ईडी की कार्रवाई होती है तो ये समर्थन अपराध करने वाले उनके साथ खड़े होते हैं।
आज जब माफियाओं से जो नकल माफिया है उनपे कार्रवाई हो रही है तो फिर ये उन्हीं के साथ खड़े दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा साफ तौर पे दिख रही है कि ये नहीं चाहते कि उन पर कार्रवाई हो और ये अपनी आवाज माफियाओं के समर्थन में बुलंद करने में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार फुल प्रूफ चाक चौबंद प्रबंध करके बच्चों के भविष्य को मजबूत करने में लगी है। इसीलिए आप लगातार देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी नकल कर बच्चे पास होते नहीं दिखते। ठीक है विद्या जी, अब आप आपसे सवाल है क्योंकि यहाँ पर बार बार शबनम जी कह रही कि अगर हमारी पहल अच्छी है जी जी नीरज जी आ रही हूँ एक मिनट क्योंकि वक्त कम है, मैं चाहती हूँ सबके पास बीच बीच में जाती रहूँ। विद्या जी यहाँ पर जब वो कह रहे हमारी पहल अच्छी है उसका स्वागत क्यों नहीं कर रहे? मैं शबनम जी की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। सबसे बड़ा सवाल ये है, इसके बाद आपके पास नीरज जी बात रखने दीजिए प्लीज, एक मिनट नीरज जी बात तो रखने दीजिए। आपने भी देखा अभी आपने खुद ही कहा कि भाई हमने एक पैमाने सेट करे हैं। बीएसपी की गवर्नमेंट थी, मैं बीएसपी के आधार पर बात करूं तो बीएसपी की गवर्नमेंट थी जब 7 से 12 की हमारी सरकार थी, तो सच में जो परीक्षा देने वाले बच्चे थे और जो भी परीक्षा केंद्र थे उसमें एक था कि हाँ सरकार जिसकी है परीक्षाएं जिस तरह से होती हैं एक तरह से पारदर्शिता के साथ में परीक्षाएं हुई और परीक्षा देने वालों को भी मनोबल बढ़ा और जो अपराधी थे उनके मनोबल में गिरावट आई कि नहीं भाई सरकार का लॉ एंड ऑर्डर इतना सख्त है कि यदि हम इस तरह के कोई काम करेंगे तो अपराधी पकड़े जाएंगे। आपने सपा की सरकार देखी, आपने खुद भी बताया और दुनिया जानती है कि समाजवादी सरकार में मुलायम सिंह जी के समय में अगर आपने दिए हैं पेपर या अखिलेश जी के शासनकाल में पेपर दिए तो लोग कह देते थे कि जरूर भैया तुम नकल करके पास हुए होगे। तो सरकार जो वर्तमान सरकार है सत्ता पक्ष है, इन्होंने ठीक है अपना कि हम बैंकों में लॉकरों में रखेंगे पेपर, लेकिन ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ही एक तरह से प्रैक्टिकल बात नहीं है क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा और विचार करने की जरूरत है। ठीक है आप अपराधी को पकड़ने के लिए अपने लॉ एंड ऑर्डर को इतना मजबूत करिए क्योंकि आप जब बैंकों में लॉकर में रखने की बात कर रहे हैं तो बैंक कर्मचारी इतना ज्यादा वर्कलोड से त्रस्त है कि ये नया वाला जो आपका नई नीति है इसको लेकर के उसके उसकी जो मनोबल है उसमें भी बहुत ज्यादा वो परेशानी होगी कि बहुत ज्यादा वर्कलोड होगा और स्टाफ की कमी है, तो बैंक लॉकर में परीक्षा पत्रों को रखना मुझे लगता है कि अनप्रैक्टिकल है जो कि बिल्कुल भी मेरी समझदार मुझे लगता है ये समझदारी भरा निर्णय सरकार का नहीं है। शबनम जी यहाँ पर वर्कलोड की बात बार बार आ रही, तो वर्कलोड के लिए आपने कोई प्लान सोचा है? क्योंकि अगर आप पेपर लॉकर में रखवा रहे हैं बैंकों के तो उसके लिए आपको पूरी व्यवस्था करनी होगी। पेपर तो सेफ्टी आपकी अच्छी पहल है लेकिन उसके साथ बाकी पहलुओं को भी आप कैसे देख रहे हैं, उसके लिए कुछ आगे सोचेंगे आप? देखिए सरकार सारे पहलुओं को देखने के बाद ही कोई निर्णय लेती है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने सोच लिया हम इधर रखेंगे और उसके बाद सारे पहलू धरातल पर निराधार साबित हों। सारे पहलुओं को देखने के बाद बैंक के अधिकारियों से वार्तालाप करने के बाद सारी चीजें फुल प्रूफ तरीके से करने के बाद कोई निर्णय लेती है। और इस बात को आप मानती हैं कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सरकार का इकबाल बरकरार है। अगर ऐसा नहीं होता तो पिछली सरकारों जैसा बॉम्ब ब्लास्ट होना, दंगा होना, लूट खसोट होना ये चरम पे जैसे थी वैसे ही रहती। बसपा कार्यकाल का भी देखती हूँ, वहां तो जेल तक सुरक्षित नहीं था, वहां पे डॉक्टर्स मारे जाते थे। सबनम मैडम यहाँ पे सिर्फ परीक्षा केंद्रों की बात हो रही है, परीक्षा की बात हो रही है इंटर और हाई स्कूल की, यहाँ पे अपराधियों की बात नहीं हो रही। आप मुद्दे से मत भटकिए, आप मुद्दे से मुद्दा यह है कि परीक्षा बता रहे लॉकर में रखना चाहिए। सबनम मैडम आप कहीं और चले गए, फिर हम भी सरकार की तमाम ऐसी बातें हैं जो बताने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप परीक्षा की बात करिए कि हाई स्कूल इंटर की जो परीक्षा पत्र है बैंकों में रखेंगे और लॉकर में रखेंगे, स्टाफ की कमी आपको नहीं दिख रही है कि स्टाफ एक कर्मचारी चार लोगों का काम कर रहा है। सभी जिला मुख्यालय को कह दिया गया कि जो राज्यकृत बैंक उनकी पूरी डिटेल दे, वो स्कूलों के कितना पास है, वहाँ के परीक्षा केंद्र कितना पास होंगे, हर एक चीज की बकायदा इन्फॉर्मेशन देने के बाद ही सेलेक्ट किए जाएंगे लॉकर। बिल्कुल अगर
यदि ऐसा किया जाता हाँ, तो ठीक है कि सारी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद नावी जी देखिए ये बात मैं बाद में बोल रही हूँ, लेकिन इसकी पूरी डिटेल मांगी गई यूपी बोर्ड की तरफ से कि बैंकों की डिटेल, उनके लॉकर से जुड़ी तमाम डिटेल्स जो है, वहां का बैंक का लॉकर किस स्थान पे, स्कूलों से कितनी दूरी, परीक्षा केंद्रों से कितनी दूरी, सिक्योरिटी कैसी है, इन तमाम चीजों को जानकारी डिटेल मांगी गई और उसके बाद जाकर वहां पर जो पेपर है वो रखे जाएंगे कहा गया है। तो सारा प्लान होगा और उसके बाद लॉकर में पेपर जाएंगे तो ठीक है। सरकार ने जो एक नया कदम उठाया है, हम सबको हाँ। उसका साथ देना चाहिए, इसकी सराहना करना चाहिए क्योंकि उसकी नीयत अच्छी है हाँ। और बच्चों के भविष्य का सवाल है, इस बात का हम साथ देते हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि इसको पर अभी फैसला चिंतन मनन हो रहा है, इसकी रणनीति तैयार हो रही है, हम मुझे लगता है कि ये आप के चैनल की भी तारीफ करनी पड़ेगी, आपकी भी तारीफ करनी पड़ेगी कि उस विमर्श में आप शामिल हुए और आपके सजेशन आज मुझे लगता है कि सरकार भी आपकी डिबेट देखेगी, बैंक कर्मचारी भी देखेंगे, शिक्षा विभाग भी देखेगा और एक पीढ़ एक वर्ग और है वो भी देखेगा, उसकी चर्चा नहीं की और मुझे लगता है इससे समाधान निकलेगा और जो रणनीति तैयार हो रही है उसमें ये कारगर होगी आज की डिबेट, क्योंकि ऐसा है कोई सख्त फैसला नहीं हुआ है, एक पहलू पे और गौर करना पड़ेगा। देखिए हर जगह नकारात्मकता नहीं होती है लेकिन हमें उस कमजोर जो बिंदु है, सरकार भी यही चाहती है कि जब हम फैसला करें तो जनता की राय आए, पत्रकारों की राय आए, एक्टिविस्ट की राय आए और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझ में आए ताकि हम उस तरीके से उसको क्रियान्वित करें। तो मुझे एक चीज याद दिलाना चाहते हैं, सरकार की एक बहुत बड़ी ताकत है और बड़ी तारीफ करनी पड़ेगी पूरे देश में किसानों के लिए, गरीबों के लिए, विधवा और ये आपको वृद्धा पेंशन वगैरह जो दी जाती है, किसी को 500 रुपए महीना दिया जाता है, किसी को 1000 रुपए महीना दिया जाता है और सारे गरीबों को कहीं ना कहीं से कोई बहुत छोटा सा फंड आ रहा है। अभी अंदाजा लगाइए कि बैंक में कितनी भीड़ लग जाती है। अब एक किसान जाता है 500 रुपए लेने के लिए, एक विधवा जाती है, एक वृद्धा जाती है, वृद्धा 65-70 साल की बैंक में लाइन लगाए खड़ी है। अब इस नजरिए से ये आप अपने सामने सीन रखो फिर ये फैसला करो। फैसला तो अच्छा है आपका कि उनको असुविधा, जनता को भी असुविधा ना हो, जब वहां पर पेपर रखा जाएगा एक्स्ट्रा जो है वो सिक्योरिटी होगी, तमाम उसमें अफसर होंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बॉस अभी फैसला ले लिया है, आप ही ने मुझे बताया और अच्छी बात है, जब ये फैसला लिया जाएगा तो मुझे लगता है इस डिबेट के बिंदुओं पे गौर किया जाएगा। मुझे लगता है कि आज की डिबेट को बैंक कर्मचारी भी आज करोड़ों तक पहुंचाएंगे आपके वीडियो, बैंक कर्मचारियों का दर्द भी आ गया। बिल्कुल सही बात आपने की और इन सारी चीजों पर विचार हो रहा है। मैं आखिरी कमेंट नीरज जी आपका लेती हूँ 20 सेकंड में, प्लीज डिबेट को फिर मुझे क्लोज करना होगा, 20 सेकंड आपके पास नीरज जी। देखिए मैम, जब 70 साल की वृद्धा पेंशन लेने जाती है, जब किसान पेंशन लेने जाता है, किसान को एक तरफ तो अपनी यूरिया लगाना है खेत में, डीएपी लगानी है, छात्र भी जाता है बैंक में, तब ये बैंक के ऊपर इतना दबाव डाल रही है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार बैंक कर्मचारियों के साथ धोखा नहीं कर रही है? नहीं, अभी सब पे चिंता हो रही है, सब पे चिंतन मंथन हो रहा है, सब पर ध्यान दिया जा रहा है, अभी कुछ स्ट्रेटेजी फुल प्रूफ प्लान बन नहीं गया नीरज जी, इसलिए अभी सारी चीजों को यूपी बोर्ड पहले कलेक्ट कर रहा है अपने पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए सवाल बड़ा है क्योंकि पेपर लीक को लेकर सरकार बहुत सख्त हो चुकी है, पेपर लीक ना हो इसलिए बैंकों के लॉकर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अभी इसके लिए पूरा प्लान तैयार होगा, सारी डिटेल्स यहाँ पर यूपी बोर्ड के सामने जाएगी, सिक्योरिटी स्कूलों के साथ कितनी सुविधाएं रहेंगी, कैसे पेपर को सेफ रखा जाए, क्या व्यवस्थाएं, कैसे कर्मचारी, हर एक चीज पर गौर करा जाएगा और उसके बाद यहां पर इस पर आगे अगला स्टेप उठाएगी गवर्नमेंट। लेकिन यह तो तय है कि लॉकर में होंगे अब पेपर, नकल माफिया पीछे जाए यह भी जरूरी है। धन्यवाद।